तो ये है दोस्तों Realme का 6 और आज हम बात कर रहे हैं इसका फीचर्स के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स यानी कि क्या कुछ आपको OS पे Realme UI में क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उन सब के बारे में जानना है, अगर आपको पता है फीचर्स Realme UI का तो आप स्किप करके जा सकते हैं, और अगर आपको पता नहीं है क्या कुछ UI में देखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो जैसे बताया कि आज हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ आपको देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से ही। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए ऑप्शन नीचे आ गया है, वॉलपेपर, विजेट्स, इफेक्ट्स एंड सेटिंग, ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको विजेट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे विजेट्स बहुत तरह का आप रख सकते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद वॉलपेपर मिलता है, तो वॉलपेपर हम चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह आप चेंज कर पाएंगे। उसके बाद इफेक्ट्स में तो कौन सा इफेक्ट आपको रखना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद जाते हैं सेटिंग में, तो सेटिंग में आपको यहाँ पे होम स्क्रीन मोड देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आपको मिलता है और भी ऑप्शन बहुत सारे, जैसे कि मैट्रिक्स कौन सा रखना है यानी कि होम स्क्रीन लेआउट आपको कौन सा रखना है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 5x6 या फिर 4x6 कौन सा रखना है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप आइकन को ऑटोफिल भी ऑप्शन में डाल सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आके रहेगा, प्रीवियसली जो ऐप आप हटाए होंगे उसका जो ब्लैंक स्पेस होगा उसमें वो फिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं आइकन ऑटोफिल। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डबल टैप टू लॉक, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेट थीम, वॉलपेपर, आइकन स्टाइल, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे सब पता चल गया है, आपको बता दिया है कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। आप जाते हैं सेटिंग में, तो सेटिंग में सबसे पहले मिलता है आपको सिम कार्ड मोबाइल डाटा, जो कि आपको पता होगा क्योंकि मैं डुअल 4G वोल्टेज टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या कुछ अपडेट होता है वहाँ पे, यानी कि इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है उस वीडियो में बता दिया हूँ। अगर नहीं पता तो वो वीडियो आप देख पाएंगे। उसके बाद आता है वाईफाई, ब्लूटूथ, अदर वायरलेस कनेक्शन में ये सब आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन स्टेटस बार, जो कि है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पे आप रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, जो आपका सिम का या फिर वाईफाई का स्पीड है वो आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे पता चल पाएगा। कि जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं ऑन यहाँ पे कर दिया, आपको यहाँ पे स्पीड दिख रहा होगा वाईफाई के साइड में, तो वो आप कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैनेज नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, और बाकी जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑन है, तो वो ऑन है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे ऑफ करने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो यहाँ पे आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, इसको जैसे आप एनेबल कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा डार्क। तो ये देखिए डार्क मोड ऑन हो गया। तो मुझे ये ऑप्शन पर्सनली बहुत ही पसंद होता है, डार्क मोड ज़्यादातर यूज करता हूँ। उसके बाद आई कलर का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद ऑटो रोटेशन मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन कलर आप कैसे रखेंगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ, कूल, डिफ़ॉल्ट, वार्म, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको फॉन्ट सेक्शन में बता दूंगा। जी हाँ, मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, पता भी चल जाएगा। उसके बाद फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे डिस्प्ले में। उसके बाद आता है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन मैनेज। तो ये बेसिकली जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया था वही वाला सेटिंग है, तो यहाँ पे और नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद आता है साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे आप साउंड सेट कर सकते हैं, और कॉल सेटिंग वगैरह जो रिंगटोन वगैरह है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब आता है, उसके बाद फिंगरप्रिंट पासवर्ड, ये वाला आपको मिल जाएगा पैटर्न लॉक के सिस्टम में। जी हाँ, मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जो कि है कैसे पैटर्न लॉक को एनेबल करते हैं रियलमी के डिवाइस में, वहाँ पे मैं ये कवर कर दिया हूँ। फिंगरप्रिंट, फेस, पासवर्ड कैसे क्या कुछ करना है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ, तो उस वीडियो को जरूर से दिखेगा, और उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अब जाते हैं हम स्मार्ट सर्विसेज में, तो स्मार्ट सर्विसेज, स्मार्ट ड्राइविंग, रीडिंग मोड और स्मार्ट असिस्टेंट, ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको मिल जाता है और जानने का ज़रूरत वाला जो चीज़ है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइवेसी ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, प्राइवेसी में कैसे परमिशन देते हैं, ऐप लॉक ये वगैरह, इसके लिए अलग से आपको वीडियो एक देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, वो आपको पता चल जाएगी प्राइवेसी में क्या कुछ खासियत सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी जान देखने को मिलता है, तो सिक्योरिटी में ये सब आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बैटरी, तो बैटरी में आपको ये स्मार्ट पावर बैटरी ये देखने को मिल जाता है।
और यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है, तो इतना ही है यहाँ पे। उसके बाद एडिशनल सेटिंग, तो एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टोरेज, प्रोसेस, डेट एंड टाइम, कीबोर्ड इनपुट, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाता रहा हूँ क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज़ है, आपको पता होगा। जो मेन चीज़ है वो दिखाता हूँ, जैसे कि वह है OTG कनेक्शन, इसको ऑन करना है जब आप OTG यूज करेंगे। जी हाँ, OTG जब यूज करेंगे पहले इसको ऑन करेंगे, उसके बाद OTG को ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है बैकअप एंड रिसेट, जी हाँ, फॉर्मेट करने के लिए ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो जो जानने का चीज़ है वो मैं यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है, अगर आप मोबाइल का रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। और यहाँ पे आप जाके इसको सेट भी कर सकते हैं, कौन सा हाई फ्रेम में चाहिए, लो फ्रेम में चाहिए, यानी कि 1080p 720p कौन सा ऑप्शन चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा को ऑन करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हैं तो स्ट्रीमिंग के टाइम में फ्रंट कैमरा ऑन रखना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, ऐप मैनेजमेंट आ गया, उसके बाद आता है ऐप क्लोनर। ऐप क्लोनर बेसिकली आप दो तीन ऐप रखना चाहते हैं सेम का, यानी कि दो व्हाट्सएप दो फेसबुक वो यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐप क्लोनिंग में। उसके बाद आपको ऐप मैनेजमेंट ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, जी हाँ, दो ऐप आप एक साथ यूज कर सकते हैं स्प्लिट करके, वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको थ्री फिंगर को ऑफ करना है। तो ये देखिए स्प्लिट स्क्रीन हो गया। जैसे कि हम और एक बार सेटिंग को जाते हैं और सेटिंग को ही ऑफ कर देते हैं, तो ये देखिए सेटिंग यहाँ पे हो गया है और सेम ही है, इसीलिए यहाँ पे दिखाया नहीं दे रहा है ये। तो और कुछ ऐप को हम ट्राई करते हैं, तो जीमेल को, तो ये देखिए जीमेल ओपन हो गया और यहाँ पे सेटिंग भी ओपन हो गया है। तो इस तरह कुछ स्प्लिट स्क्रीन वर्क करता है। अब अगर आपको इसको बंद करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐसे कर देना चाहिए, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं, स्प्लिट स्क्रीन हो गया। उसके बाद आपको और कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, कुछ इतना ही था यहाँ पे फीचर्स के बारे में, यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको रियल में UI में देखने को मिलता है। और ज़्यादातर डेली डे टू डे टास्क में आपको यही सब सेटिंग ही यूज करने को पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं इतना ही आपको बता दिया। यही आपको रोजाना ज़िंदगी में यूज करना पड़ता है सेटिंग में, अगर इतना जान गए तो आप मोबाइल को बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। अब और चीज़ कुछ दिखाना रह गया था वो दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं, यहाँ टूल्स में आपको कैलेंडर वगैरह, वेदर वगैरह, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे रिकॉर्डर भी मिलता है, कैलकुलेटर भी मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब आपको ऑप्शन टूल में देखने को मिल जाता है, जिसको आप छोटा भी कर सकते हैं और फ्लोटिंग विंडो की तरह कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको टूल्स में देखने को मिल जाता है। अब आपको नोटिफिकेशन पैनल दिखा देता हूँ। तो ये है नोटिफिकेशन पैनल, और यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, जी हाँ, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ये सिंबल मिल जाता है, तो ये इतने चीज़ दिया गया है, आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं अगर आप चाहे तो। सिंपली इसको लेना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो ये आपको ऊपर में मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये देखिए आप ऊपर में उसको मिल गया। तो इस तरह कुछ आपको यहाँ पे रखना है, तो ये देखिए हो गया ऊपर में। अगर आपको हटाना है तो सिंपली आपको फिर यहाँ वापस यहाँ पे ले आना है। तो कुछ इस तरह नोटिफिकेशन पैनल को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और ये था Realme 6 का टिप्स एंड ट्रिक फीचर्स के बारे में, जो कि आपको डे टू डे यूजेस में हेल्प में आएगा। जी हाँ, इतना अगर आप सेटिंग जान गए, फीचर्स जान गए, तो आप आराम से इस फ़ोन को यूज कर पाएंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।